जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करके पूछ रहे थे, सर आपने जो टेलीग्राम चैनल ओपन किए थे वो अभी बंद हो गया है क्या? तो हाँ, वो बिल्कुल बंद हो गया है। अभी न्यू टेलीग्राम चैनल बनाए हैं तो उस पर अभी बहुत सारे बच्चे नहीं जुड़े हैं, 300-400 अभी जुड़े हुए हैं। तो आप लोग टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप उस पर जुड़िए। और जो भी जीके का तैयारी करना है, जैसे कि आरपीएफ रेलवे में बहुत सारे वैकेंसी आने वाला है, उसमें कोई भी एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हैं तो जीके जीएस का मायने बहुत अभी है। तो जीके जीएस करेंट अफेयर का तैयारी किया जाता है उस पर, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा टेलीग्राम का, आप जुड़िए। सुबह शाम डेली उस पर क्यूज लगाइए, आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प होने वाला है। और कोई भी एग्ज़ाम अगर देने जा रहे हैं तो बहुत सारे आपको प्रश्न मिलेगा डायरेक्टली वहाँ से। तो आप आइए टेलीग्राम पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, आप जुड़िए मेरे साथ। और हाँ, वैकेंसी तो बहुत जल्दी आने वाला है। बहुत सारे स्टूडेंट का भी कमेंट रहता है, सर वैकेंसी कब आ रहा है? तो वैकेंसी आने का उम्मीद बढ़ गया है, क्योंकि अभी बहुत सारे रेलवे में पद खाली है लगभग, जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा है। तो वैकेंसी आएगा रेलवे में, जैसे कि ALP हो गया, टेक्नीशियन हो गया, RPF हो गया, ये सब वैकेंसी आए हुए बहुत दिन हो गया, करीब 4-5 साल हो ही गया है, 18-19 में आया था। तो उम्मीद है कि वैकेंसी आएगा, और आप लोग जब तैयारी करके रहिएगा तो तभी आप एग्ज़ाम में अच्छा कर पाइएगा और एक सीट कंफर्म कर पाइएगा, क्योंकि वैकेंसी बहुत दिनों के बाद आने वाला है। फिर अगर छूट जाएगा तो फिर आपको 4-5 साल वेट करना ही होगा। तो उससे बढ़िया है कि आपको अभी से ही मेहनत करना होगा, ताकि उस टाइम हमको किसी प्रकार का मलाल नहीं रह जाना चाहिए कि हाँ मैंने ये पढ़ ले रहा था तो वो इतना प्रश्न बना लेता। तो ज़्यादा से ज़्यादा सेट प्रैक्टिस करिए, टेलीग्राम से जुड़िए, टेलीग्राम पे आपको बहुत सारे प्रकार का प्रश्न मिलेगा। और एक सेट डेली अपना हाथों से बनाइए, जैसे कि पीछे मेरा देख रहे हैं वो रेक पे रखा हुआ बहुत सारे बुक, उसमें सेट प्रैक्टिस भी है। तो आप डेली एक सेट प्रैक्टिस वहाँ भी लगाइए, और बाद टेलीग्राम पे आइए और सेट लगाइए। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप किसी प्रकार एक सीट कंफर्म करिए जब भी वैकेंसी आए तो, और किसी प्रकार का मलाल नहीं रह जाना चाहिए कि हाँ मैंने ये चीज़ नहीं किया। तो ये चीज़ नहीं रहे, कास का जो बर्ड है वो कास नहीं रहना चाहिए। वैकेंसी बहुत दिनों के बाद आने वाला है, फिर पता ना कब आएगा नहीं आएगा, इसका कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जो भी आने वाला है उसमें एक सीट कंफर्म करना है। चलिए, आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ, और जो भी कॉमेंट रहेगा वो बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में लाने का कोशिश करूँगा। जय हिंद।